नहीं बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए। 1.5 साल में सरकार को बार बार अपने लिए फैसले बदलने पड़ रहे हैं, इसके लिए सरकार को मंथन करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मंडी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा बोले कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। किसानों की फसल को लेकर हुड्डा बोले कि किसानों की फसल की पेमेंट का मामला सरकार को किसानों पर ही छोड़ देना चाहिए। वहीं उन्होंने सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर हुए हमले पर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो उनको उनको सोचना है, उनको आत्म मंथन करना है कि ऐसे हालात क्यों हुए। जनहित के फैसला लेंगे तो कभी ना, अभी तो चुनके भाई 1.5 साल पहले तो 10 की 10 सीट जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी। 1 साल 1.25 साल पहले सरकार बनी है, तो उनको मंथन अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। फैसले ठीक लेंगे तो ऐसा नहीं है कोई, ये जो हालात जो है वो उनके है। सरकार विफल सरकार है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा, आज कानून व्यवस्था में चरमरा आ गया। आप कोई चीज़ देखो, और महंगाई कितनी बढ़ रही है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है, उनका जीवन दुर्लभ हो रहा है। धमकियों से कभी लोगों को नहीं होता संयम, तो लोगों आप देख रहे हो 4 महीने हो गए, इतना शांति प्रिय मैंने तो अपने जीवन में आंदोलन देखा नहीं है, या आप में से किसी देखा तो बताओ। वो तो प्रयोग कर रहे हैं भाई, मेरा इस सरकार से आग्रह है किसान के ऊपर प्रयोग नहीं, सहयोग करो उसका। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।